भारत में, भारत के कई हिस्सों में, इंडिया में एक रिवाज है जहाँ जब किसी के घर में छोटा बच्चा होने वाला होता है या आता है तो वो अपने परिवार के सब बुजुर्गों से उनके एक पुराने कपड़े लेते हैं, चाहे वो शर्ट है, चाहे वो लुंगी है, चाहे वो साड़ी है, और वो नन्हे बालक को, नन्हे शिशु को उसमें लपेटा जाता है। 13 दिन तक वो पुराने कपड़ों में ही उसको रखते हैं, और उसका महत्व ये माना जाता है कि बच्चे को उनकी आशीर्वाद भी लगती है और उनकी लंबी उम्र भी लगती है। मैं अमेरिका में जब रहती थी तो एक दिन मैंने रियलाइज़ किया, मैं एक क्विल शॉप में गई थी कुछ कपड़ा खरीदने, और मैंने रियलाइज़ किया कि वो शॉप में एक औरत एक जैसे 11 टेडी बेयर्स बना रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि इसकी कोई वजह होगी, तब उसने मुझे बताया कि मेरे ही दुकान पे एक बहुत बुजुर्ग औरत आई और उन्होंने अपने पति की पुरानी जीन्स और शर्ट्स लाके दी मुझे, और मुझे कहा कि हमारे 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और मैं हर एक को एक एक दादाजी की निशानी देना चाहती हूँ। उसी समय मुझे लगा कि अरे बाप रे, दुनिया तो बिल्कुल हर एक की वही सेंटिमेंट्स हैं, वही इमोशंस हैं, वही वैल्यूज़ हैं, और वही चीज़ें हर एक के मन को छूती हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और किसी भी बैकग्राउंड के हो। नमस्कार, मैं तरुणा सेठी सिंपली ब्यूटीफुल से, और आज हम जो आपके लिए प्रोजेक्ट बनाने के विधि लेके आए हैं वो है ये कुशन, बटनलेस कुशन, जिसमें ना आपको बटन लगाना है ना आपको काज करना है, और वो फिर भी आपके कुशन को बिल्कुल ठीक से अंदर रखेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और ये जो टेक्निक है, ये जो ब्लॉक है जिसके साथ हमने इसको बनाया है, इसको हम 9 पैच कहते हैं। ये 9 पैच का ब्लॉक है, जो ये 9 पैच है कलर्स, वो हम 9 डिफरेंट कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं। कुछ हमने प्लेन या सॉलिड जिसको बोलते हैं कलर्स हैं, कुछ शॉर्ट कलर्स हैं या टू टोन कलर्स हैं, जिसको हम इस वक्त सॉलिड फैमिली में मानेंगे, प्लेन कलर में, और फिर हमारे चेक्स हैं। तो हम इनको कॉमन उसमें मद्रास चेक्स बोलते हैं, बाहर इनको प्लेट्स बोलते हैं जो क्विल्टर्स हैं, तो हम उसके उसमें चलेंगे। तो पहले हम ये 3 कलर्स को यूज़ करेंगे, और ये बहुत फास्ट टेक्निक है। तो हमने इसमें से येलो, चेक्स, रेड और प्लेन येलो, ये 3 फैब्रिक्स लिए हैं। आपने मेरा पहले एक ट्यूटोरियल देखा है जिसमें हमने ये बेबी क्विल्ट बनाई थी, तो आपको याद होगा हमने रेल फेंस वाला ब्लॉक बनाया था जब हमने बेबी क्विल्ट बनाई थी, तो ये रेल फेंस। तो इन तीनों से हम एक्चुअली रेल फेंस ही पहले बनाएंगे। हमारा एक जो क्विल्टिंग कम्युनिटी में एक बड़ा स्टैंडर्ड मेजर है, मोस्ट ऑफन हम वही मेजर अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो है 2.5 इंच की चौड़ाई का पट्टा। हम 2.5-2.5 इंच के पट्टों में काफ़ी कुछ कर लेते हैं, और ये भी हमारे ब्लॉक जो हैं वो 2.5 इंच के ही कट में है। तो हम हर कलर का कट करेंगे, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप प्लीज स्टार्ट करने के टाइम एक बार इसको ट्रिम जरूर कर लीजिए। आपने जब ये कट कर लिया रोटरी कटर के साथ, आप डेड लॉक करेंगे और आप ये चेक करेंगे कि ये कट गया है कि नहीं। तो अब आप जितने चाहो इस तरह से ये स्ट्रिप्स काट लीजिए। तो ये मैंने बहुत सारे ब्लॉक हर कलर के काट लिए हैं, और अब हम इनको साथ में सिलेंगे। अब जो मेरा लेआउट है उसमें एक प्लेन, एक चेक, एक प्लेन, और यहाँ पे चेक, प्लेन, चेक, और फिर से प्लेन, चेक, प्लेन। तो उस थीम के साथ ही मैं चल रही हूँ। तो पहला मेरा है रेड फैब्रिक, और फिर मेरा है ये येलो चेक फैब्रिक। तो ये जो कपड़ा है, नॉर्मली हम आपको हमेशा कहते हैं कि सीधी तरफ अंदर होनी चाहिए,
और रॉन्ग तरफ बाहर, क्योंकि हमने मशीन की सिलाई करनी है। लेकिन ये जो लाइन हमारी जो फैब्रिक की है, ये यार्न डाइड है, यानी कपड़ा बुनने से पहले धागा रंगा गया था फास्ट कलर्स, एजोफ्रीड कलर्स के साथ, डाइज के साथ, नैप्टॉल फ्री उसके साथ रंगा गया था। उसके कारण ये कपड़ा दोनों तरफ सेम कलर्स दिखाएगा, तो इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं। अब हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, मिला लेंगे दोनों को। आप देखिए, कोई कपड़ा बाहर नहीं, कोई अंदर नहीं, एकदम इक्वल उस पे हम इनको मिला के हर थोड़ी दूरी पे इसको पिन कर दीजिए, थ्रू आउट पिन कर दीजिए, और अब इसको हम सिलेंगे। अब हमने ये दो कलर्स इकट्ठे कर लिए हैं, सीम टुगेदर कर लिया है, और अब हम ये तीसरा कलर, ध्यान रखिएगा कि हमने पैटर्न डिसाइड किया है उसमें सॉलिड साइड में है, टेंचर में चेक है और फिर सॉलिड है, तो उसी तरह से आप चलिए। तो अच्छा तो लगता है, जैसे आपको पसंद है, लेकिन ये मैंने अपने डिज़ाइन में इस तरह से चाहा है कि थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। और ये हमने अपने तीनों स्ट्रिप्स ज्वाइन कर लिए हैं, और अब आप इसको देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये बिल्कुल रेल फेंस की तरह बन गया है। रेल फेंस हमने तीन कलर्स में बनाया था, अब हम नाइन पैच जो है नौ कलर्स में बनाए। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर स्टेज पे हमको आयन करना है, तो अब हम इसको आयन करेंगे। आप ये सीम्स खोल लीजिए इस तरह से, क्योंकि वो फिर जब हम इनको पैच वर्क करना शुरू करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हम इनको पहले खोल लें। और आगे भी जरूर करिएगा, जब आप पूरा ये आयन कर लें तो फ्रंट साइड भी, इसको भी देखिए ठीक से प्रेस हो गया। तो अब आप देखिए, मैंने ये तीनों कलर्स के एक एक स्ट्रिप रेडी रखा है, जो बिल्कुल रेल फेंस की तरह ही है ये ब्लॉक। तो अब हम तीनों को फिर से इनको काट देंगे, क्योंकि स्क्वेयर्स, तो अब आप देख रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ एक एक ढाई ढाई इंच का टुकड़ा काट के जोड़ने के बदले हमने तीन साथ में जोड़े, और अब हमारे तीन टुकड़े जुड़े जुड़ाए हमको मिल जाएंगे। और याद रखेंगे कि हमने सेल्वेज जो किनारा होता है कपड़े का वो काटेंगे, और फिर अब हम इनको ढाई ढाई इंच की स्ट्रिप्स में काट देंगे इस तरह से। मैं तीनों ये कपड़ों की हम ऐसे स्ट्रिप काट लेंगे, और अब हम ये ब्लॉक असेंबल करना शुरू करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारी तीन रोज तैयार हो, हमने इसको प्रेस खोल के किया है। देखिए, हमने दोनों तरफ की जो सिलाई है, जहाँ कपड़ा जुड़ा है, उसको सीम बोलते हैं, वो हमने खोल के किया है। तो अब हम इनको, ये जरा देखिए ध्यान से कि ये हमने कैसे इनको मिलाया है, जहाँ पे ये दोनों कपड़े इकट्ठे मिल रहे हैं उस पॉइंट को हमने पिन किया। देखिए, हमने वो पिनिंग किया था, देखिए कैसे कोने से कोना एकदम परफेक्ट स्क्वायर बन गया है हमारा। तो इसी तरह से हम जो तीसरा कलर है वो हम लगा लेंगे, तीसरी लाइन इस तरह से सेम वे इसको हम जोड़ेंगे और सिल देंगे, और ये हमारा ब्लॉक तैयार। देखिए, अब मैं ये चारों रेड एक साथ लगा रही हूँ, तो ये एक लुक आ गया। ये एक और हमने, मैं बना रही थी, उसको रेडी किया हुआ है, जिसमें हमने येलो इकट्ठे कर दिया। मेरे को बहुत जल्दी थी, मेरे को ये पैच, नाइन पैच नहीं कर पाई थी, पर रेल फ्रेंड्स मैंने तीन तीन कलर के तीनों पट्टे बना लिए थे, तो मैंने उसी को ज्वाइन कर दिया, और फिर मैंने उसको
क्योंकि मेरी ये रेल फेंस जब मैंने बनाया था तो वो 6.5 इंच चौड़ा था, द विड्थ वाज 6.5 इंच, तो मैंने उसके स्क्वायर्स काटे उतने साइज के और उसको असेंबल कर दिया और ये भी बहुत सुंदर लग रहा है पैटर्न। तो आप जो आपको जो जो आपका मन है, जिस तरह से आप इसको यूज करना चाहते हैं, आप उसको फ्रीली यूज करो। पर अब क्योंकि मैं इसी पैटर्न में चल रही हूँ तो हम आपको ये बताएंगे कि जैसे आपने वो 3 रोज जोड़ी है, ये जो 3 रोज हमने जोड़ी है उसी तरह से आपने कपड़ा जोड़ना है। तो जैसे मैंने इसी कॉन्सेप्ट में करा है तो मैंने उसको मिला के इस तरह से पिनअप करके जैसे पहले किया था सेम वे मैं इसको पिनअप करूंगी और मशीन पे सिलाई कर दूंगी तो ये इसका जो फिनिश लुक है ये आ जाएगा। देखिए ये मैंने इसको ऐसे इसको जोड़ा है, अब ये 2 है और मैं अब इसके बगल में दूसरे 2 जोड़ दूंगी तो ये मेरा कुशन का जो स्क्वायर है ये बिल्कुल बॉर्डर लगाना है, इसका किनारा लगाना है। तो सेम हम 2.5 इंच के उसमें ही चल रहे हैं अभी, तो आप 2.5 इंच का इसको काट लीजिए फिर से स्ट्रिप, और ये ऐसे 2.5 इंच का स्ट्रिप मैंने रेडी करा हुआ है, आप उस तरह से उसको काट लीजिए। और क्योंकि ये ऑलरेडी सॉलिड टू टोन कलर है, शॉर्ट कलर है, तो इसमें हमने इसको बहुत सीधी तरीके से जोड़ दिया है, हमने वो जो हम बायस बाइंडिंग करते हैं या वो बॉर्डर को टर्न करते हैं वो हमने नहीं किया, हमने स्ट्रेट किया है। तो उसके लिए ऑल हमने किया है कि हमने इसको दोनों तरफ से इसको ऐसे पिनअप करके सिल दिया है। हमारा ये साइड तैयार हो गया है, ये जो एक्स्ट्रा है हम इसको ट्रिम कर देंगे और फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी उसी तरह से बाइंड कर देंगे। अब इस तरह से आपने कर लिया है 2 साइड्स, मैंने 2 आमने सामने की साइड्स को जोड़ दिया है, तो अब हम दूसरी साइड को कंटिन्यू करेंगे और मैं दोनों साइड्स को सेल्वेज को एक साथ ट्रिम कर दूंगी तो तय करके। तो अब आप इस प्रकार यहाँ से अब मैं इसको किनारे से किनारे पिनअप करूंगी इस तरह से और हम इसको ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, सीम टुगेदर कर देंगे। तो अब हमने ये चारों तरफ बॉर्डर लगा दिया है और ये एक्चुअली हमारा टॉप रेडी है, कुशन का टॉप बिल्कुल रेडी है। लेकिन वो कहते हैं ना एज अ क्रिएटिव पर्सन, और जो भी क्रिएटिव होगा वो मेरे साथ एग्री करेगा कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमने इतने रंग भर दिए हैं लेकिन मुझे फिर था कि थोड़ा सा और, तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा एक डिटेल और ऐड कर दिया है। ये जो स्ट्रिप है मैंने क्योंकि आउटलाइन करना हाईलाइट करना था तो मैंने ये थोड़ा पतला काटा है, 2.5 इंच के बदले मैंने इसको 1 इंच का कट किया है। जैसे मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये कपड़ा मेरा बहुत सॉफ्ट है, तो अगर आपको लगे कि आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट देना चाहते हो तो ये बड़े आराम से कोई भी टेलरिंग स्टोर पे, अगर आप इंडिया में अगर कोई टेलरिंग स्टोर को कहो कि मुझे फ्यूजिंग चाहिए तो वो आपको ये पेपर दे देगा जिसके एक तरफ आपको गम मिलेगी, आप उसको काट के आप इसके नाप से पूरे नाप से ही काट लीजिए, आप इसको ऐसे बड़े ध्यान से काटिए, ध्यान रखिएगा कि कुशन का टॉप ना कटे। तो बस इसको हम एक बार आयन कर देंगे, यानी इसको हम एक साथ फ्यूज कर देंगे, फ्यूज टुगेदर। और ये हमने हमारा फ्यूजिंग कर दिया, ये हमारा लास्ट कपड़ा है। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप उसको एक बार ट्रिम जरूर करिएगा, तो ये हमने इसको ट्रिम कर दिया और अब हम इसी साइज से, क्योंकि
क्योंकि ये हम अभी सिलाई के लिए लेने वाले हैं, तो हम ये सेम साइज से इसको यहाँ लगाएंगे और हम उसी नाप से अपना ये फैब्रिक काट लेंगे। अब मैंने इसको खोलने के बाद मैं इसका इक्वल हिस्सा कर दूंगी, मैं इसको इक्वल तरीके से काट लूंगी और इस बार मैं कैंची इस्तेमाल करूंगी। ये हमने इसको दो इक्वल हिस्सों में कर दिया है। दोनों तरफ से तह करके इक्वल तह करा है और अब हम इसको पिनअप कर लेंगे ताकि ये कपड़ा, जैसे मैंने बताया, बड़ा प्यारा मुलायम नरम है, तो ये कहीं फिसले ना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा पिनअप कर देंगे। और अब ताकि हम एक्यूरेट रहें और जल्दी से कर लें, हम इस पे 1 इंच की उस पे एक निशान लगा देंगे। हम ये दोनों फोल्ड्स पे 1 इंच की ऐसे मार्किंग दे देंगे ताकि हमारा ये जरा एक्यूरेट हो जाए और हम इसको एक के बाद एक जोड़ देंगे, हम सिलेंगे। अब जहां ये खत्म हुआ मैं इसको काटूंगी नहीं, मैं इसके बगल में दूसरा जो मेरा है फैब्रिक हम सिलेंगे। तैयार। अब ये हमारे दोनों फैब्रिक्स बिल्कुल तैयार हैं और अब हम फाइनल स्टेज पे आ गए। अब आप याद रखिएगा कि जो हम हमेशा बोलते हैं राइट साइड टुगेदर, सीधी तरफ, वो अब अंदर आएगी क्योंकि अभी हमने इस पे सिलाई करनी है, तो वो आप जब सिल लोगे और फिर जब आप उसको उल्टा करोगे तो ऐसा दिखना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो आप यहाँ तक पहुंच गए हो इतनी जल्दी, वहां पे कहीं गड़बड़ मत करिएगा, इसको अंदर की तरफ ही लगाइएगा और इसको एक बार फिर पिनअप कर लेंगे फटाफट। अब हम इसको तीनों साइड, ये तीन साइड हम इसके सिल देंगे और ये हमारा खुला रहेगा। ये सिंपल सिलाई एक जो है मैंने इसको रेडी कर दिया और ये देखिए पॉकेट है और ये राइट साइड अंदर है। अब इसको हम फिनिश कर देंगे, इसको बता रही हूँ, इसको हम वही जो हमने दूसरा कपड़ा जोड़ा था हम उसको यहाँ से ऊपर पिन कर देंगे, इसके ऑपोजिट तरफ। इसी तरह से आप तीनों तरफ कर लीजिए और ये हमारा रेडी हो गया कुशन कवर। ये हमने आपने देखा पहला कपड़ा जो था हमने नीचे से उसको तीन तरफ लगाया था और ये जो दूसरा कपड़ा है हमने इसको ऊपर से तीन तरफ से सिल दिया, तो ये हमारी पॉकेट्स खुली हैं और अब हम इसको फ्लिप ओवर कर देंगे। ये हमारा कुशन तैयार, हमने 9 पैच ब्लॉक से बनाया है, बेसिक रेल फेंस है। मुझे ये कलर्स इतने पसंद आए हैं कि मैं ये अपने लिए बना रही हूँ, अपने घर के लिए बना रही हूँ, अपने परिवार के लिए बना रही हूँ। और अब आप इसमें देखिए मैंने क्या किया है, मैंने 9 पैच भी यूज़ किए हैं और मैंने रेल फेंस के कट्स भी यूज़ किए हैं।
पैच वही है, कट वही है, खाली मैंने यहाँ नौ अलग कलर ज्वाइन किया और यहाँ पे वो तीन के जिनको मैंने काट के ये बनाए हैं उसी में कर दिया। और अब ये मैं बढ़ता जाएगा और ये हमारा दोहर या चद्दर या बेड कवर, सिंगल बेड कवर, दीवान कवर, जो मैं चाहूंगी मैं इसको उस तरह से इसको